आज की रेसिपी में हम पूरी, हलवा और काला चना बनाने वाले हैं, और वो भी आधा घंटे में बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने चने भिगो कर रख दिए थे रात को, 8 घंटे तक हमें चने भिगो के रख देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से चने भीग गए हैं। अब मैं इसे कुकर के पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फिर हम कुकर में इसे लगा देंगे। इस तरह से इसे मैंने धो भी लिया है एक पानी से, तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी इतना होना चाहिए कि चने के लेवल के बराबरी का, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। इसमें नमक डाल देंगे हम आधा चम्मच, मिला देंगे इसे, और अब ये रेडी है हमें कुकर में लगाने के लिए। तो अब इसे कुकर में डाल देते हैं हम। ये मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, अब इसमें पॉट डाल देंगे जिसमें हमने चने रखे थे। और मैं कुकर के 3 विसल आते तक मुझे इसमें रखना है। मैंने इसमें सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में आटा गूंद के रख देंगे। इधर हमारा कुकर भी विसल दे रहा है और इधर हम आटा गूंद के रखेंगे। मैंने 2 कप आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून के पास, और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। हमें पूरी का आटा टाइट लगाना है, हमें सॉफ्ट नहीं करना है। अगर सॉफ्ट आटा गूंदेंगे तो उससे जो ऑयल है पूरी बहुत ज़्यादा सोखती है। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा आटा अभी रेडी हो गया है। अब इसे ढक कर रख देंगे। बहुत बढ़िया, और ये कुकर की लास्ट विसल हो गई है। अभी कुकर ठंडा हो गया तो मैं इसे निकाल के देख लेती हूँ, चेक कर ले कि चने बराबर पके कि नहीं पके। मैंने 4 से 5 विसल्स दिए थे इसमें। ये निकाल लिए हैं और इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में। चेक कर लेते हैं, देखिए परफेक्टली पक गए हैं। अब इसे साइड में रख दें और अब हम एक पॉट में पानी गरम कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी शीरा बनाना है और दूसरे साइड में हम शीरा बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 कप उसमें घी लिया है। इसी कटोरी से मैंने घी लिया है, तो इसी कटोरी से मैं रवा ले लूँगी। 1 कटोरी रवा ले लिया है इसी कटोरी से, और उसमें मिक्स कर लिया। अब इसे हमें भूनना है अच्छे से। मैं क्या करती हूँ कि हमेशा रवे का जो मिक्सर बनाती हूँ वो हमेशा लाइट ब्राउन कलर का होते तक भूनती हूँ, तभी मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। ये देखिए रवा भी इधर भून रहा है और उधर हमारा पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें पानी गर्म डालने की ज़रूरत है, इसलिए हम साइड में पानी गर्म कर रहे हैं। और ये जो रवा हम भून रहे हैं, देखिए इस तरह से पूरा भीग जाना चाहिए। आपका रवा पूरा घी में भीग जाना चाहिए। अब ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया तो उसमें फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ड्राई फ्रूट्स तब डालें जब हमें लगे कि 5 मिनट बाद हम पानी डालने वाले हैं, तो फिर ड्राई फ्रूट्स भी भून जाते हैं उसमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन होते तक। ये देखिए इस तरह से हमारा रवा भी भून कर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें ये पानी डाल देंगे इसका। मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है, पानी को अच्छे से गर्म कर ले और ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा संभल कर डालें, क्योंकि थोड़ा सा जब हम पानी डालते हैं तो वो ऊपर आता है, जो बॉइल्स है ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहे और सावधानी जरूर बरते इसमें। ये देखिए इस तरह से जब हम पानी डालते हैं तो इस तरह से पूरा पानी में रवा भीग जाना चाहिए अच्छे से पूरा। देखिए कैसे भीग गया है मेरा, जो मैंने पानी डाला है वो कैसे रवा भीग गया, इस तरह से भीग जाना चाहिए, तभी हमारा रवा बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें 1/2 कप उसी कप से शक्कर डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर ले अच्छे से। इसे चला ले, लो फ्लेम पर रखना है अभी हमें, जो गैस रखना है उसे लो फ्लेम पर रखना है। इसे मिक्स कर ले और फिर इसे चलाते रहें। बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारा रवा तो अभी बन के रेडी हो गया है, लेकिन अब हम इसे ढक के रख देंगे। सीम पे रखना है ताकि वो और भी रवा फूल जाए। थोड़ा सा रवा इधर उधर गिर गया था, मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो पानी है इसे हम साइड में रख देंगे, इसे हम चना बनाते वक्त हमें काम आएगा। अब हम साइड बाय साइड चने का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और साइड बाय साइड इसे भी चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारा रवा अभी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें और थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है। तो चेक करेंगे तो थोड़ा सा वाइट कुछ ग्रैनुल्स दिख रहे हैं इसमें, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे।
मुझे इसमें 2 ग्लास के करीब करीब पानी लगा है टोटल, तो इसमें फिर से हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम साइड बाय साइड काम करते हैं तो आधा घंटे के अंदर हमारा हलवा पूरी और जो काला चना है वो बन के रेडी हो जाता है। इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट तक और फिर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। और साइड बाय साइड मैंने क्या किया है, जो एक कढ़ाई लिया है उसमें ऑयल डाल दिया था, वो ऑयल भी सिम पे रखा है तो गर्म हो रहा है और ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है हमारा ये जो रवा है वो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर हमें रख देना है या फिर गर्मा गर्म हम परोस भी सकते हैं। अब इसमें जो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा को थोड़ा सा ब्राउन होने दें और फिर इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने इसमें लिया है। अब हम क्या क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, मिलाते रहे और फिर उसमें चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया मैंने, इससे भी थोड़ा कलर चेंज होते तक मिलाते रहे। और फिर हम इसमें सब मसाले डाल देंगे, उसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब मैंने ले लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ देख लें। और इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें, मेरा फेवरेट है, अगर ग्रेवी में कसूरी मेथी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसमें वही गर्म पानी डाल देंगे जो हमने शीरा बनाते वक्त जो रखा था, बच गया था गर्म पानी, वही गर्म पानी इसमें हम डालेंगे। गर्म पानी डालने से ग्रेवी में जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है और ग्रेवी बहुत अच्छी दिखती भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यह हमारा शीरा अभी रेडी हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमें पूरी का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इधर ग्रेवी भी रेडी हो रही है। मैंने पूरी के लिए जो कढ़ाई ली है उसमें सिम पे रखा है और ये भी लो फ्लेम पे है, जो चने की ग्रेवी बन रही है वो। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे जो कढ़ाई लिया था पूरी के लिए, और इसमें हमें क्या करना है, अभी चने डाल देना है। अगर आपको चने में पानी रखना है तो थोड़ा पानी रख सकते हैं, लेकिन मुझे कैसे ड्राई चने बनाने हैं तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे ऐसे ही खुले में चने को मीडियम आंच पर पकने दूंगी, जिससे क्या होगा कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा और मसाले का टेस्ट भी और खुशबू दोनों ही चने में मिल जाएंगी। इसमें जो है थोड़ा सा नमक डाल दें, स्वादानुसार मिला दें। अब देखिए जो आटा है हमने जो रफली गूंदा था, अब इसे हम खोल के देखेंगे 15 मिनट बाद तो ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब इसकी लोइयां बना ले अलग अलग और फिर हम इसकी पूरी बना लेंगे। थोड़ा सा ये देखिए पूरी भी रेडी हो गई है, थोड़ा सा ऑयल चेक कर लेंगे। ऑयल चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा हम इसमें डाल देंगे, तो ये देखिए रेडी है ऑयल। अब हम इसमें पूरियां तल लेंगे, बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी खूबसूरत सी वैसे फुली फुली सी पूरियां हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए अभी गर्मा गर्म हमारी थाली परोसने के लिए चना भी रेडी है और पूरियां भी रेडी है और शीरा भी रेडी है, तो फिर चलिए परोसते हैं। ये देखिए चना कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी चल रही है, तो है कि नहीं इजी। और आधा घंटे के अंदर हमारे तीनों के तीनों प्रिपरेशन हो गए। चने को खूबसूरत दिखाने के लिए थोड़ा सा गार्निश कर ले कोरिएंडर से, ऐसे ढक के रख दे, गैस बंद कर दे। और भी पूरियाँ अपने को तलनी है तो अब हम पूरियाँ तल लेंगे। और ये देखिए कितनी सारी पूरियाँ तल लिया है मैंने, तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।